बेखौफ बदमाशों ने होटल मैनेजमेंट के छात्र की गोली मारकर की हत्या। इलाके में दहशत का माहौल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। बांका में हाल के दिनों में अपराध का ग्राफ फिर बढ़ रहा है। चोरी और लूटपाट के साथ साथ अपराधी हत्या की वारदात को भी अंजाम दे रहे हैं। मंगलवार की देर शाम अपराधियों ने एक होटल मैनेजमेंट की छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद बाइक सवार अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही टाउन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि घटना कटोरिया और बांका मुख्य मार्ग के बसौना बांध के पास की है। मृतक प्रभाकर चौधरी के 22 वर्षीय पुत्र सुमन कुमार चौधरी बांका शहर के जगतपुर का रहने वाला था। स्थानीय लोगों ने बताया कि देर शाम सुमन बाइक से कटोरिया की तरफ आ रहा था। इसी बीच बाइक सवार दो युवक वहां पहुंचे और सुमन चौधरी को गोली मार दी और लड़की को लेकर फरार हो गए। लड़की और हत्यारे की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन बाइक सवार लड़की की इस हरकत पे काफी सवाल उठ रहे हैं। घटनास्थल के आसपास मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि लड़की बाइक पर पीछे बैठी थी और मोबाइल चला रही थी, तभी भौसाना बांध के पास एक बाइक पर सवार दो लोग आए। दो मिनट सुमन से कुछ बात की और फिर उसे गोली मार दी। सुमन के जमीन पर गिरते ही अपराधियों ने उस लड़की को अपने बाइक पर बैठाया और वहां से फरार हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस लड़की की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। उसके संबंध में मृतक के परिजन भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह से सुमन की हत्या के बाद लड़की अपराधी के बाइक पर बैठकर चली गई, ऐसे में ये बात इस ओर भी इशारा कर रही है कि हत्या के पीछे कहीं लड़की का हाथ तो नहीं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। वहीं बांका थाना अध्यक्ष शंभू यादव ने बताया कि अपराधियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मामला प्रेम प्रसंग प्रतीत हो रहा है।